हाय गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल होप बिल्डिंग गुड गाइस। सो आज मैं लेकर आई हूँ फेस्टिव वेयर पार्ट टू गाइस। फेस्टिव वेयर सीरीज शुरू हो चुकी है चैनल पे, सो जो भी आप देखना चाहते हो कमेंट पे ज़रूर से बताओ, मैं फटाफट ऑर्डर करके वो वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। एंड आज का जो हॉल है वो बहुत ही डिफरेंट है, मैंने बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट आउटफिट ट्राई करा है, जिनको भी यूनिक एंड डिफरेंट स्टाइल पसंद है उनके लिए परफेक्ट है। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड कुछ हील्स एंड ईयरिंग्स गाइस सीन से है, बहुत पुराने हैं तो उसका लिंक मैं नहीं दे पाऊंगी, जो भी पॉसिबल होगा वो लिंक मैं आपको दे दूंगी। सो कमेंट पे जरूर से बताना आज का हॉल कैसा लगा, पसंद है तो प्लीज सब्सक्राइब करके सपोर्ट करो। एंड नाउ विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट मैंने पिक करा है ये ब्लैक एंड मरून फ्लोरल सिक्वेंड सेट गाइस। इस पर आपको प्लाजो मिल रही है एंड क्रॉप टॉप अंदर से मिल रही है और ये कफ्तान काइंड ऑफ कुर्ती मिल रही है। सो ये थोड़ा एक्सपेंसिव है, ये 3400 रुपीज़ में मुझे मिली है, बट ये जो फैशोर ब्रांड का है एंड इसका कुछ कुछ प्रोडक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलती है, बट ट्रस्ट मी बहुत जिनको भी यूनिक पहनना पसंद है ना, जो शॉप में जाके 4-5 हज़ार रुपये खरीदते हैं उनके लिए परफेक्ट है। मैं और भी आगे आपको सस्ते आउटफिट भी दिखाऊंगी, बट ये मुझे बहुत पसंद आया सो मैंने इसे बाई किया है। इस पर मेरा साइज लार्ज है, बट मैं सजेस्ट करूंगी कि आप मीडियम लो जो साइज आप पहनते हो। और इसका जो मटेरियल है ना गाइज, वो बिल्कुल एक होता है ना क्रश वाला मटेरियल वैसा है कुर्ती का, तो काफी ब्यूटीफुल डिजाइन है। इसका जो मेन पार्ट है वो नेकलाइन पे जो डिजाइन बनी हुई है, ऐसे सीक्वेंस की बीट्स की बहुत ही ब्यूटीफुल व्हाइट एंड ब्लैक में डिजाइन बनी हुई है। डायमंड ईयरिंग्स के साथ मैंने स्टाइल करा है, ये शीन से ईयरिंग्स है गाइज, इसका लिंक मैं नहीं दे पाऊंगी, बट अगर कुछ सिमिलर मुझे मिलता है तो मैं आपको दूंगी। सो इसका जो क्रॉप टॉप है वो कॉटन मटेरियल का है और कुछ इस तरीके से उसकी नेकलाइन दिखती है। मरून कलर का ही क्रॉप टॉप आपको मिल रहा है और जो पैंट आपको मिल रही है गाइज वो थोड़ा लूज है, फिटिंग अच्छी है क्योंकि बहुत शॉर्ट है बैक से, तो फिटिंग बहुत अच्छी आ रही है, इसीलिए मैंने इस पर लास्ट साइज मंगाया क्योंकि मुझे मीडियम पे ना पैंट बहुत फिट होती है क्योंकि पेयर शेप बॉडी है मेरी, तो मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, बट ट्रस्ट मी बहुत ही ज़्यादा क्लासी स्टैंडर्ड एंड बहुत ही ब्यूटीफुल सेट है। 100% ग्रैब कर सकते हो अगर आप इतना अफोर्ड कर सकते हो तो, नहीं तो आगे और भी आपको मिलेगी जो काफ़ी अफोर्डेबल भी है। 200-300% रिकमेंड करूँगी, मुझे इसे पहनकर बहुत मज़ा आया। एंड ये जो हील्स है ये मैंने सरोजनी से ली थी तो इसका लिंक मैं नहीं दे पाऊंगी, बट अगर कुछ सिमिलर मिलता है तो मैं लिंक 100% प्रोवाइड कर दूंगी। सो कमेंट में नेक्स्ट मैंने पिक करा है ये कुछ डिफरेंट गाइस। तो इस पर आपको ना ये ऊपर से कोटी मिल रही है, लाइक बंद गले वाला ही ऊपर से आपको पहनना होता है, नीचे स्लिप ड्रेस है एक जो स्लीवलेस है, उसको मैंने बेल्ट के साथ स्टाइल करा है और पीच कलर का है ये, ऑर्गेन्जा मटेरियल है ऊपर की कोटी की। एंड मैं अभी देख रही हूँ मिंत्रा के पेज में तो उसने भी गोल्डन बेल्ट के साथ ये स्टाइल करा है, तो कोइंसिडेंस हो गई, और गोल्डन हूप्स के साथ मैंने ईयरिंग्स डाले हैं, स्टाइल करा है। और ये स्लिप ड्रेस की जो कलर है ना वो बहुत ही ज़्यादा ग्रीन, बहुत ही गॉर्जियस ग्रीन कलर है एंड टील ब्लू काइंड ऑफ ग्रीन है गाइज, और ये हाइलो हेम है, तो ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। प्राइस इसका 998 रुपीज़ है गाइज, अंडर 1000 रुपीज़ की है। एंड बेस्ट पार्ट है कि देखने में एकदम पार्टी वेयर लग रहा है और आप अंदर से जो स्लिप ड्रेस है उसको भी किसी बीच वीच पे जाओ कोई वेकेशन में पहन सकते हो और ऊपर से ऐसे पार्टी वेयर ड्रेस भी बना सकते हो। सो मुझे काफ़ी पसंद आई। मैंने इसमें न्यूड रोज गोल्डी कलर की हील्स डाली है एंड सेम बैग भी मैंने डाला, बैग का लिंक आपको दे दूंगी क्योंकि अभी मैंने इसे परचेज की है। ईयरिंग जो है वो शीन से है, इसका लिंक नहीं दे पाऊंगी। एंड फुटवेयर अगर मुझे कुछ सिमिलर मिलता है तो मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। सो काफ़ी अफोर्डेबल है, काफ़ी ब्यूटीफुल है, साइज मेरा इस पर मीडियम है जो कि परफेक्ट आ रही है। एंड आपको कैसी लगी आप मुझे कॉमेंट में ज़रूर से बताओ। हाँ, इसका जो ऑर्गेन्जा मटेरियल है बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल नहीं है, बट थोड़ी देर के ना 7-8 घंटे के लिए आप आराम से मैनेज कर सकते हो, और विंटर्स वैसे भी आने वाली है तो ईजिली मैनेज कर सकते हो सेप्टेम्बर अक्टूबर के मंथ में गाइज। दुर्गा पूजा के लिए परफेक्ट है, आने वाले फेस्टिव के लिए परफेक्ट है, कोई बर्थडे पार्टी के लिए भी बिल्कुल परफेक्ट है। नेक्स्ट मैंने पिक करा है ये ग्रीन एंड वाइट फ्लोरल प्रिंटेड कुर्ती एंड प्लाजो गाइस। सो इसका जो प्राइस है वो मुझे मिली है 1500 रुपीज़ में, साइज़ मेरा इस पर मीडियम है एंड इसका जो कलर कॉम्बिनेशन वगैरह मुझे बहुत अच्छा लगा। फ्रैंकली मैं बोलूँ मिंत्रा के पेज में मुझे ये बहुत प्यारी लगी थी। ये जो है ये रैप ड्रेस है गाइस, तो ये पूरा ओपन ड्रेस है एंड उसको आपको रैप करना है। सो अब मिंत्रा के पेज में दूसरी तरीके से टाइप करा है पर वो मुझे कम्फर्टेबल नहीं हो रहा था तो मैंने इस तरीके से बांध लिया है। आप मिंत्रा के पेज बस जरूर से चेक कर लो। इसका जो प्लाजो उसका मटेरियल रेयन है, बट प्लाजो का मटेरियल मुझे पसंद नहीं आया। फ्रैंकली मैं इस पर श्योर नहीं हूं कि मैं ये वाला ड्रेस रखूंगी नहीं रखूंगी, डेट्स में मैंने इसका टैग नहीं हटाया है क्योंकि कंफर्टेबल नहीं हो रहा है मुझे। हाँ, मुझे इसके लिए स्पेशल एक स्पेगेटी खरीदनी पड़ेगी तब आप आराम से इसे मैनेज कर सकते हो। अभी काफी खुला खुला ओपन सा है, बस रैप कर लिया है। सी ग्रीन कलर है एंड इस पर ना वो पिंक कलर की फ्लावर्स बनी हुई है, पीच एंड पिंकिश काइंड ऑफ, जो काफी ब्यूटीफुल लग रही है। रेड ईयरिंग्स के साथ मैंने स्टाइल करा है, ग्रीन हील्स डाले
रहे हैं। और ये बैग मैंने लिया है जो मैंने अमेजोन से ली थी, तो काफ़ी अफोर्डेबल मेरी ये ये बैग है और ईयरिंग्स काफ़ी पुरानी है। लिंक मिलती है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। सो कैसी लगी आप मुझे कॉमेंट पर ज़रूर से बताओ। नेक्स्ट मैंने पिक करा है ये ऑरेंज कलर के ड्रेस का, जिस पे आपको श्रग मिल रही है। एंड ये स्लिप ड्रेस है, सो रेयन मटेरियल है ऑरेंज वाली कुर्ती की, एंड ऊपर से जो है ऑर्गेन्जा मटेरियल की है। सो लेंथ वाइज काफ़ी अच्छी है, प्राइस 1295 है। प्राइस के अकॉर्डिंग मैं रिकमेंड करूँगी, मुझे ये पर्सनली बहुत पसंद आई क्योंकि मुझे ऐसे ब्राइट कलर बहुत अच्छे लगते हैं। सो ऑर्गेन्जा जो कुर्ती है उस पर आपको फ्लावर्स बने हुए कुछ इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में, लाइक लाइट पिंक, पीच, येलो, रेड। एंड इस पर मेरा साइज लार्ज है गाइज, मैं सजेस्ट करूँगी कि जो साइज़ आप पहनते हैं उससे एक साइज डाउन ही लो, क्योंकि ये जो कोटी है, जो श्रग है, वो काफ़ी लूज हो रही है। अगर ये थोड़ी टाइट होती, लाइक मैं मीडियम पहनती हूँ, अगर मीडियम होती तो काफ़ी बेटर लगती। सो इसको मैंने खुद के बेल्ट के साथ स्टाइल कराया है, जो इंडिया ब्रांड की किसी कुर्ती पे मुझे मिली थी। तो ऐसे बेल्ट्स हमेशा रखती हूँ मैं, क्योंकि मुझे स्टाइल में काफ़ी काम आती है। एंड ये ज्वेलरी काफ़ी पुरानी है, लास्ट ईयर मैंने दुर्गा पूजा में ही ली थी। अगर लिंक मिलती है तो मैं 100% आपको दे दूँगी या फिर कुछ सिमिलर आपको मैं प्रोवाइड कर दूँगी। बैग भी लास्ट ईयर ही दुर्गा पूजा में मैंने लिया था, तो इसका भी लिंक मैं कोशिश करूँगी ढूंढ कर मैं प्रोवाइड कर दूँ। सो जो ये ड्रेस है वो मेरा साइज़ के अकॉर्डिंग थोड़ा लूज हो रहा है, अगर टाइट होती तो और बेटर लगती, बट ट्रस्ट मी ड्रेस बहुत ब्यूटीफुल है। मैंने आपको डिफरेंट ज्वेलरी के साथ भी स्टाइल करके दिखाया, इन केस अगर आप सिल्वर नहीं डालना चाहते हो तो कुछ इस तरीके से चोकर भी डाल सकते हो। एंड जो उसका शेप है ना कुर्ती, ऑरेंज कुर्ती की, उसका राउंड शेप है गाइस, तो ये चीज़ ये कुर्ती को बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल बना रही है। आपको कैसी लगी आप डेफिनेटली कॉमेंट पर ज़रूर से बताओ, और लाइक करके मोटिवेट करो गाइज, और इसे भी मैं हाईली रिकमेंड करूँगी। नेक्स्ट मैंने बाय करा ये क्रॉप टॉप स्कर्ट गाइस, सो ये भी फैशोर ब्रांड से है, 1949 इसका प्राइस है। साइज मेरे इसमें मीडियम है, वी नेक के साथ ये आती है, और सेम प्रिंट के आपको क्रॉप टॉप एंड स्कर्ट मिल रही है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। एंड इसके कलर कॉम्बिनेशन जो आप देखोगे बहुत ज़्यादा प्रिंटेड है, एंड बहुत ज़्यादा कलर्स है इस पर। इलास्टिक आती है स्लीव्स पे, पफी स्लीव के साथ वी नेक काफ़ी अच्छे से मैच कर रही है। स्कर्ट की जो फिटिंग है वो भी बहुत प्यारी है, नीचे को फ्रिल्स बने हुए हैं, थोड़ा हाइलो हेम है, एंड आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा फ्लोई है, पॉलिस्टर मटेरियल है इसका, एंड थोड़ा सैटिन काइंड ऑफ है गाइज, तो बहुत ब्यूटीफुल मटेरियल है, बहुत फ्लोई है। एंड हील्स के साथ, बैग्स के साथ, ईयरिंग्स के साथ ये बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। मैं बहुत ही क्लोजली दिखा रही हूँ वो कितने सारे प्रिंट्स हैं, कलर्स हैं। सो ये वाली ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, इसे आप फेस्टिव में वेयर कर सकते हो अच्छे एक्सेसरीज डाल के, या फिर किसी हॉलीडे में वेयर कर सकते हो। साइज मेरा मीडियम है, प्राइस भी काफ़ी अफोर्डेबल है। तो सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में माई हॉल स्टोर पर मिलेगी गाइज, तो वहाँ पर क्लिक कीजिए। और ये ईयरिंग्स सीम्स है, इसका लिंक मैं नहीं दे पाऊंगी, कुछ सिमिलर मिलता है तो मैं 100% आपको दे दूँगी। और आज का हॉल कैसा लगा जरूर से कमेंट में बताओ, लाइक करो, एंड बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइज़।